प्रश्न है -27 का घनमूल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें यहां ज्ञात करना है -27 की पावर 1/3। अब हम जानते हैं कि घनमूल है तो तीन संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, वर्गमूल है तो हमें दो मान प्राप्त होते हैं, घनमूल है तो हमें तीन मान प्राप्त होंगे। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं इसको -3 इंटू 1/3, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मान जो हो गया -3 को यदि मैं तीन बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे -27 मिल जाएगा, और इकाई का हमें घनमूल और ज्ञात करना है। अब इकाई का घनमूल क्या होता है 1/1/3 का, एक तो मान होता है एक, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो -3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, एक तो एक से मल्टीप्लाई होगा, एक ओमेगा से होगा और एक ओमेगा स्क्वायर से होगा। मान कितना आ जाएगा, एक मान तो हो गया 3 माइनस का है, दूसरा है -3 ओमेगा और एक मान हो गया -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें तीन मान प्राप्त हो गए, -3 -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। प्रश्न है यदि एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है तो सिद्ध कीजिए कि एक माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट में है इंटू 1+ ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में है, इनका गुणनफल 4 के बराबर है। हम जानते हैं कि जो इकाई के घनमूल है उसमें क्या सूत्र होता है, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये इकाई के घनमूल हो तो ओमेगा क्यूब बराबर तो होता है एक, और 1+ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये मान 0 के बराबर होता है। अब यहां देखो 1+ओमेगा स्क्वायर हम पाते हैं, तो यहां से 1+ओमेगा स्क्वायर, यदि मैं 1+ओमेगा स्क्वायर का मान निकालू तो वो कितना हो जाएगा, -ओमेगा के बराबर हो जाएगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा -ओमेगा। तो 1+ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, -ओमेगा यहां पहले से ही, तो ये -ओमेगा इंटू -ओमेगा ये हमें प्राप्त होता है। लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो ब्रैकेट है वो इस प्रकार से हमने सरल कर लिया। दूसरे ब्रैकेट को देखते हैं, 1+ओमेगा। अब देखो 1+ओमेगा यहां किसके बराबर हो गया, -ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, तो मैं इसको -ओमेगा स्क्वायर लिख दूं, -ओमेगा स्क्वायर ये यहां पहले से ही है, ये हमारा LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, सरल किया तो -2ओमेगा इंटू -2ओमेगा स्क्वायर ऐसा हमें मिलता है। अब -2ओमेगा और -2ओमेगा स्क्वायर का हमें गुणा करना है, तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो हो गया प्लस का, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मान आ गया 4, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा क्यूब, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। ओमेगा क्यूब का मान है 1 के बराबर, तो ये मान कितना हो गया, 4 × 1 अर्थात 4 के बराबर, जो हमारा RHS है राइट हैंड साइड है। तो इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम। प्रश्न है यदि x बराबर है a+b, y बराबर है a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर तथा z बराबर है a ओमेगा स्क्वायर + b ओमेगा, तो सिद्ध कीजिए x² + y² + z² बराबर है 6ab के। ओमेगा से संबंधित जो हमारे पास सूत्र है उनको लिख लेते हैं, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 और 1+ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, जहां 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। अब हम यहां जो हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो LHS बराबर क्या है, x² अर्थात मैं क्या लिखूंगा, a+b² y² लिखना है तो a ओमेगा + b ओमेगा² + z² अर्थात a ओमेगा स्क्वायर
प्लस बी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के मान रखने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है। अब हम प्रसार करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा हो गया। इसमें भी हम प्रसार करें तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा की पावर चार प्लस दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू ओमेगा क्यूब, ऐसा आ गया। अब इसको खोलें तो ये हो गया ए स्क्वायर ओमेगा की पावर चार प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस दो ए बी ओमेगा की पावर तीन, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, ये तो ऐसे चीज आ गया। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसा कैसे ले लिया, ओमेगा की पावर चार। तो देखो ओमेगा की पावर चार क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब एक होता है तो मान हो गया ओमेगा के बराबर, तो मैं इसको बी स्क्वायर ओमेगा लिख सकता हूं, ऐसा हमने लिख दिया। प्लस ओमेगा क्यूब का मान है एक, तो ये हो गया दो ए बी के बराबर। प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा की पावर चार ओमेगा लिख सकते हैं, तो मैंने इसको भी लिख दिया ओमेगा। प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस दो ए बी, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या है एक है। अब हम ए स्क्वायर के पद लेते हैं तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक, यहां से क्या आ जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा प्लस का ओमेगा प्लस। अब बी स्क्वायर के लेते हैं तो एक तो ये है ब्रैकेट में क्या आ गया एक, यहां से क्या आ जाएगा ओमेगा, तो प्लस का ओमेगा आ गया, ये वाला पद भी ले लिया, यहां से इसमें लिया तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब क्या यहां पे रह गया, एक तो प्लस का दो ए बी, इन मानों को देख रहे हैं, एक तो ये देख रहे हैं प्लस का दो ए बी, एक ये है प्लस का दो ए बी और एक ये है प्लस का दो ए बी, तो दो ए बी प्लस दो ए बी चार ए बी प्लस दो ए बी मान हो गया छह ए बी, ऐसा आ गया। अब हम जानते हैं देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है जीरो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मान तो हो गया जीरो के बराबर, ये पूरा मान जीरो हो गया। यहां देखें वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, बी स्क्वायर से गुणा होगा ये मान भी जीरो हो जाएगा, क्या बच गया प्लस का छ ए बी बराबर छ ए बी, और यही हमारा आरएचएस है राइट हैंड साइड, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। ये हो जाएगा माइनस दो ओमेगा स्क्वायर कहां तक, दो एन गुणनखंड तक। अब हम इन दो संख्याओं को लेते हैं पहली दूसरी को, तो यहां देखो माइनस दो और माइनस दो गुणा हो गए तो हमें क्या मिल जाएगा चार, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये हो गया ओमेगा क्यूब के बराबर, पहले दो गुणनखंडों का गुणा तो ये आ गया। इसी प्रकार अगले का क्या आ गया, माइनस दो और माइनस दो तो हो गया चार और ये हो गया ओमेगा क्यूब, ऐसा इसी प्रकार अगले दो का हो गया। तो अब क्योंकि ये दो एन खंडों तक था, अब ये कितने गुणनखंड रह जाएंगे एन गुणनखंड रह जाएंगे, ये हो गया एन गुणनखंडों तक, ये गुणा कहां तक हो रहा होगा एन गुणनखंडों तक गुणा हो रहा होगा। हम इसको सरल करते हैं तो हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब एक होता है, चार इंटू चार ये कहां तक गुणा हो रहे होंगे एन खंडों तक गुणा हो रहे हैं, तो चार इंटू चार इंटू चार एन गुणनखंडों तक गुणा हो रहे हैं।
अर्थात मान कितना आ जाएगा 4 की पावर n के बराबर। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2 की घात n, अर्थात 2 की घात 2n, और यही हमारा RHS है, राइट हैंड साइड है। तो इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धांत।